हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों का शुरुआत हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम लोग उस काम को क्विट करने के बारे में सोचते हैं। तो ठीक ऐसे ही गौतम बुद्ध के साथ हुआ। गौतम बुद्ध काफ़ी दिनों तक तपस्या किए, लेकिन उन्हें जो ज्ञान चाहिए तो नहीं मिला। इस वजह से वो नेगेटिव हो गए, डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने तपस्या के बारे में जो है सोचना बंद कर दिया। यानी बोलो कि तपस्या ही नहीं करूंगा। तो वो जा रहे थे रास्ते में, तो उन्हें बहुत जोर से प्यास लगा। तो जैसे ही प्यास लगा तो वो पेड़ के नीचे बैठे, तो उनकी नज़र जो है दो गिलहरी के बच्चे के ऊपर पड़ी। दो गिलहरी का बच्चा झील में था, तो झील में था तो वो लोग डूबने ही वाला था। उसकी जो मम्मी थी वो क्या कर रही थी, झील में जा करके अपने आप को डुबा रही थी, मतलब अपने आप को डुबा रही थी। और डुबाने के बाद बाहर आ रही थी, फिर जितना भी पानी उसके ऊपर लगा होता था वो झाड़ करके उसको गिराती, तो बार बार ये चीज़ करते रहती थी। तो ये देख करके गौतम बुद्ध काफ़ी आश्चर्य हो गए, मतलब हैरान हो गए कि एक छोटी सी गिलहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, इतना पैशन के साथ कोशिश कर रही है। तो ये तो कमाल की बात है। जब ये छोटी सी गिलहरी इतना जितना ज़्यादा कर सकती है, ये जब हार नहीं मान रही, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो इस चीज़ को सुखा पाएगी कि नहीं पाएगी। तो ये गिलहरी जब अगर हार नहीं मान रहा, तो मैं तो इससे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए उन दोनों, उसकी जो उसकी माँ को देख करके, गिलहरी के बच्चे की माँ को देख करके। फिर वो क्या किया, सबसे पहले उन दो गिलहरी के बच्चे को बचाए, उसके बाद वो क्या किया, वापस चले गए। और वापस जाने के बाद उन्होंने अपना तपस्या फिर से शुरू किया, और काफी टाइम के बाद उन्हें जो चाहिए था, जिस ज्ञान की उन्हें तलाश थी, वो ज्ञान फाइनली उन्हें मिल गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है कि जिंदगी में बहुत सारे चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा, बट हमें कभी भी अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और आप जो भी करें पूरे डेडिकेशन के साथ करें, पूरे पैशन के साथ करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। खुद के ऊपर भरोसा रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और क्विट मत कीजिए, क्योंकि क्विट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। बाय बाय, हैव अ नाइस।